चेतावनी, हृदय उच्च रक्तचाप, अस्थमा और मिर्गी वाले पेशेंट इस ट्रैक पे बिल्कुल भी ना जाएं। तो बता रहे कि मानसिक शक्ति से ज्यादा हो रहा है टेंशन, वो तो बात हो जाएगा। दिक्कत है लोग, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है यहाँ पे। राइट ने हमको बताया था कि भाई गिरने का एवरेज एक पूरी ट्रिप में एटलीस्ट 20 है। सब बड़ी हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और आगे चादर मिल नहीं पा रही। वन टू थ्री जोरो। अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जिनके साथ में आया हूँ। ये निक्की, निक्की ये दोस्त है। हाय सुदेश सर, अशोक, अशोक सर, विवेक और संजू और राधा। ये चादर पे पहले कदम थे, लड़सा लग रहा था, सर चकरा रहा था। पहाड़ों की चोटी को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने इतने कपड़े पहन रखे और मेरी सांस भी फूल दी है, लेकिन एक्चुअली 3-4 दिन पहले एक्लिमेटाइज होने के कारण इतनी ज़्यादा दिक्कत हो नहीं पा रही है। अभी टेम्परेचर होगा करीब -15 या -16 करीब होगा। गाइस, मेरी आवाज़ काफ़ी बैठ चुकी है और मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ। और क्या होता है कि कभी कभी जब बर्फ़ सनलाइट पड़ती है तो आँखों के लिए कभी कभी हार्मफुल हो सकती है। तो आपको ये एडवाइसेबल है, ऐसे चश्मे लाएं जो यूवी को प्रोटेक्ट कर सके ताकि आपकी आँख सिक्योर हो सके। काफ़ी ये मैंने सिंपल पहना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा चलना हार्ड रहता है, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट स्टेप्स लेने पड़ते हैं तभी चल पाते हैं। जैसे जैसे आप चलते जाओगे आगे आगे लगते जाएंगे आपको कहाँ पे किस तरीके से चलना है। आप देखिए ये कितनी वाइट चादर है, इसको चलने पर कितनी तेज आवाज आ रही है। काफी अनुशासन रखना पड़ता है चादर ट्रैक पे, कई चीजों को फॉलो करना पड़ता है। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, हर एक 4-5 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आ ही जाते हैं। तो मतलब जब एक बच्चा 9-10 साल का ये ट्रैक कर सकता है तो आप भी नहीं कर सकते। गमबूट में चलने पे काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग थी। गमबूट इस ट्रैक पे जरूरी है, कंपल्सरी है। काफी स्लिपरी स्ट्रेस था। मतलब इसी ट्रैक पे आप सबसे यंगेस्ट 9-10 साल के ट्रैकर को भी देख सकते हैं और सबसे ओल्डेस्ट जो 54 ईयर्स के हैं उसको भी देख सकते हैं। से ज्यादा अच्छा है कोई नहीं, कोई नहीं, उठा आराम से खा गया। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे क्रॉस किया जा रहा है इसको। आप फ्लो देखिए जंस्कार रिवर का, यही रिवर आगे जाके जम जाती है और किस तरीके से जमती है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे चलने में, क्योंकि टफेस्ट है काफी। मेरे प्रोग्राम का रिस है ना। हाँ सर, आगे चलो क्या सर, आप चला जाते हैं।
वही माता है। ये वही क्या लेट को पार करते हैं, लेट को पार करते हैं। इसको लेट को पार गाइस, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो लेकिन बैठ के चलो, बहुत कुछ हो गई सब। यहाँ पे लाइन में जाने के लिए बोल दिया भाई, बहुत ज्यादा ही दिक्कत है यहाँ पे। ये तो हम हार मारने वाले में से नहीं है। भाई दूसरा पार्ट हो देता है, वैसे पत्थर है, वहाँ से थोड़ा ईजी होगा चलना, अभी काफ़ी स्लीपरी है यहाँ पे। मैं थोड़ी पत्ता रहने के खतरों को सोचते आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ स्लीपरी है बहुत ज़्यादा, आप कर ही नहीं सकते हैं उसके ऊपर। जो पाउडर है वो कभी भी आपस में पूरे जा रहे हैं। आप लोग देखिए अभी का इसी फ्लो पर ज़्यादातर जमता है, और इनकी मेहनत देखिए, उनका लोकल है, उनको डेली का काम है, तो ये फिसल जाते हैं। तो हम तो दो चार दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। पहले दिन का व्यू है चादर ट्रक का, और ये मेरे बगल में लगी ट्रेन की कवर, और ये दुनिया जो है हमारा साथ दे रहे हैं। व्यू देखो, पहले दिन का पहला व्यू है, कितना प्यारा व्यू है आप देख सकते हैं। फोटो की हालत यहाँ पे कैसे खराब हो रखी है। फिर आगे मैं इसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के जरिए। ओके, अभी यहाँ से वार्निंग आ चुकी है, तो मुझे ये वीडियो जरूर बंद भी करना पड़ेगा। कितनी क्लीन, बिल्कुल वाइट है। जहाँ पे आप नदी में देखते होंगे, जब नदी में पानी देता है तो कोई पत्थर आता है, तो वही
कैसे जमा हुआ है पूरा, ये देखिए आप। तब्दन ये हमारे गाइड हैं अभी। तो अभी कितने फीट बर्फ जमी होगी जंस्कार रिवर में? चार पाँच फीट। ये चार पाँच फीट जमी होगी, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कब नहीं लगा कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं नहीं। तो इस बार बताते हैं कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, ऐसा है? हाँ ऐसा है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अभी नाइट में कितना टेम्परेचर रहता है? करीब करीब 20 से ज़्यादा जाता है। 20 से ज़्यादा रहता है? हाँ। ओके, 20 से ज़्यादा, -20। -20 बट बता रहे कि -30 से ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर। हाँ वो तो रात को हो जाएगा ना। हैं रात रात में कितना जाता है टेम्परेचर? 30 से 35 तक जाता है। 30-35। ये सारे लोकल बंदे हैं, इनको आइडिया रहता है कि कौन सी सरफेस पे किस तरीके से चलना है। तो आज अगर आप चादर ट्रैक पे आ रहे हैं तो इनको जरूर फॉलो कीजिए, इनके जो ये परमिशन दे रहे हैं आपको वही करना है। हाँ जा जाओ, नहीं तो आपको अपनी जान से जोखिम लेना पड़ेगा। हाँ वो तो। गुफा में छुपे हुए हैं, गुफा में कुछ ना कुछ खाते हुए होंगे ये लोग, लाइट हैं यहाँ की ये। तो ये देखिए आपको चाय पे के लिए क्या क्या चाहिए, आप इस गंदे से सीख सकते हैं। ट्रैकिंग पोल चाहिए, ट्रैकिंग बूट चाहिए, रक्षक चाहिए, डाउन जैकेट चाहिए, ट्रैकिंग पैन चाहिए, और हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ी जो चीज़ है हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत के साथ ये इन चीज़ों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। समझते हुए हमें अपने हर एक कदम को आगे बढ़ाना था। पहले दिन हमें यही सीखना था चलना था। तो अभी तक का थोड़ा एक्सपीरियंस हम इनके साथ शेयर करते हैं जो हमारे साथ स्टार्टिंग से बने हुए। तो बताइए सर आपको कैसा लगा अभी तक का फर्स्ट डे? मुझे लगता है फर्स्ट डे का हाफ डे ही है अभी तक। हाँ तो कैसा लगा आपको? लगा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब इनिशियली वी वर टोटली पैनिक, मिक्स फीलिंग्स वी वर हैविंग, बट ठीक है। मुझे ये बताओ वहाँ पे कैसा लगा जहाँ पे लोग फिसल रहे थे सबसे ज़्यादा? वो गिरे कि नहीं गिरे ये बताओ? मैं गिर गया एक बार हो चुका। अच्छा तो मजा आया गिरने में? एक बार फर्स्ट टाइम गिरने के बाद उसके बाद ओके ओके। वहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 10-15 लोग मेरे सामने गिरे थे। गाइड ने हमको बताया था कि भाई गिरने का एवरेज एक पूरी ट्रिप में एटलीस्ट 20 है। अभी काफी लो है हमारा स्कोर, अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे सूरज ढलने का टाइम पास आ रहा था, टेम्परेचर और गिरता जा रहा था। इस टेम्परेचर में हमें बस सर्वाइव करना, चलते हुए सांस फूलने लग जाती। ओके दोस्तों, करीबन 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं और मेरे साथ में मेरे दोस्त विवेक हैं। आप देख सकते हैं चादर ट्रैक किस तरीके से यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 15-20 लोग आते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ बीच में देखिए, बीच में चादर नहीं जमी, यहाँ पे पूरा पानी गिर रहा है, वहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग गमबूट पहन के जब चलते हैं तो फिसल जाते हैं, फिसलते हुए उनका कंधा भी टूट सकता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, जब कॉन्फिडेंस आए तभी आप कोई अपनी वीडियो शूटिंग या फोटोग्राफी करें। इस वैली का व्यू जबरदस्त था। पहाड़ का कलर जो था ब्लैक कलर का था, चादर व्हाइट कलर, ये ब्लैक एंड व्हाइट काफी अच्छा लगा। पेंगुइन वॉक कहते हैं, जो चादर ट्रैक पे यूज की जाती है, ये सबसे सेफ वॉक मानी जाती है।
आप देख रहे होंगे पीछे रास्ता काफी खराब था और आगे चादर मिल नहीं पा रही, तो उसे चेक किया जा रहा है कि चादर है कि नहीं आगे। कुछ बंदे ऊपर जा चुके हैं, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अभी चादर चेक होने के बाद शायद हमें वापस नीचे से जाना पड़े। और ये देखो, ये लड़की बहुत एडवेंचरस है, और ये उससे भी ज्यादा है। वो देखो विवेक, ब्लू उसके अंदर विवेक, येलो में कुछ भी बोल दो दिखेगा थोड़ी यहाँ से। सनलाइट जा चुकी थी और अंधेरा होने लग गया। गाइस मुझे स्नोफॉल लेवल ले लेता का वो चादर ट्रैक को देख लिया पेट्रोल। वन लाइफ वन ड्रीम वन पैशन अचीव इट।